हेलो गाइस, वेलकम टू आईक्यू डेट, लेट्स मल्टीप्लाई नॉलेज। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं 25 आईएमपी क्वेश्चंस की, और ये क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम और होने वाले असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमने आज के 5 साल पहले जो पेपर हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं 5-10 साल के बीच में, उन क्वेश्चन से निकाले हैं, और उन क्वेश्चन में किस लेवल के क्वेश्चन को कवर अप किया गया उसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अराउंड ऑफ 700-800 क्वेश्चंस हमने निकाले हैं। उन क्वेश्चन का हमने ये वीडियो बनाया है, और इस पे हम आपको हर दिन पर डे 2 वीडियो आपको दिए जाएंगे, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं ये कौन से क्वेश्चन है और इतने ज्यादा कैसे इम्पोर्टेंट है, हम आपको आगे बताएंगे। और प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको और भी नए वीडियो मिलते रहेंगे, इसलिए बेल आइकन पे बटन एक बार क्लिक कर दें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना भी ना भूलें। चलिए हम बताते हैं कि ये कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो ये भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी। जी हाँ, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, तो आपको बोधगया लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। जी हाँ, आर्य समाज की स्थापना हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो गुरुमुखी लिपि है। जी हाँ, गुरुमुखी लिपि जो पंजाब की पंजाबी भाषा की लिपि है, सिख लोग इसको यूज करते हैं राइटिंग वर्क में, और गुरुमुखी लिपि बहुत ही मानी जानी लिपि है। और भारत की प्रमुख भूमि का दक्षिण, देखिए भारत की प्रमुख भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। जी हाँ, भारत की जो प्रमुख भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा जो है वो है कन्याकुमारी। जी हाँ, कन्याकुमारी है। यदि मैं बात करता हूँ अंडमान निकोबार में, यदि कन्याकुमारी ऑप्शन नहीं रहता है तो आपको अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट लगाना है। जी हाँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कन्याकुमारी आपको ऑप्शन लगाना है। इसके बाद भारत का सबसे जो दक्षिणतम किनारा है वो एक्चुअल में वो इंदिरा पॉइंट ही है। और भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। जी हाँ, सबसे राज्य की बात करते हैं सूर्य ईस्ट से निकलता है, तो सबसे ईस्ट में हमारा पड़ता है हाइट में अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश आपको ऑप्शन लगाना है, सबसे हाइट में और सबसे ईस्ट में ये भारत के पड़ता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। जी हाँ, इंसुलिन का जो प्रयोग होता है मधुमेह के उपचार में होता है। मधुमेह मीन्स होता है डायबिटीज, डायबिटीज के जो रोगी होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं शाम सुबह, तभी उनके ब्लड का संचार अच्छे से हो पाता है और उनको प्रॉब्लम्स नहीं आती। अब मैं बात करता हूँ बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। जी हाँ, बिहू जो है एक फेमस त्यौहार है असम का, और असम में मनाया जाता है बिहू, और असम चाय के बागानों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो उसके चाय के बागान निकलने के बाद जो ये त्यौहार मनाया जाता है ये बिहू है। और कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जी हाँ, प्रचुर मात्रा में जो पाया जाने वाला आंवला नींबू में जो पाया जाता है विटामिन सी है। और इसके बाद विटामिन सी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, ये भी आपको बता दें हम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। जी हाँ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक जी थे, और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे हैं। और कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। जी हाँ, कागज का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। कागज या बुक किसी प्रकार का एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज हो आपको चीन लगाना है, क्योंकि चीनी लोग बहुत ही ज्यादा ज्ञानी होते हैं। इस प्रकार चीन बुक का आविष्कार भी चीन में हुआ था, और आपको कागज के आविष्कार की भी बात कर दूं चीन लगाना है आपको। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। जी हाँ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जी जो थे, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, और इनको बोधगया में क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब इसके भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। जी हाँ, भारत में जो सर्वोच्च सेनापति जो होता है, तीनों नौसेना वायुसेना और जलसेना तीनों की बात करता हूं, तो वो राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च सेनापति कहलाता है। अब रतौंधी जो रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है। तो जी हाँ, रतौंधी जो रोग होता है विटामिन ए की कमी से होता है, क्योंकि ये और विटामिन ए जो मिलता है पपीते से मिलता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि पपीता खाने से रतौंधी नहीं होता है, इसलिए ढेर सारी पपीता खाएं। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। जी हाँ, पोंगल जो है फेमस त्यौहार है अपने तमिलनाडु का, और तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। अब मैं बात करता हूँ गिद्ध और भांगड़ा की, तो किस राज्य का नृत्य। जी गिद्ध और भांगड़ा जो है अपना पंजाब का नृत्य है, पंजाब में फेमस है गिद्ध और भांगड़ा।
गिद्दा और भांगड़ा जो है पंजाब का फेमस नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेर्ड ने किया था। देखिए फॉरेनर नाम है, याद रखना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आप याद रख सकते हैं कि टेलीविजन ना चले तो हमारी जान निकल जाती है, मतलब हमारा मनोरंजन नहीं हो पाता, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और इस टेलीविजन को बहुत सारे लोग देखते हैं, तो जॉन लोगी, हमारी जान निकल जाएगी, बहुत सारे लोग देखेंगे, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि जॉन लोगी बेर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की पहला महिला शासिका कौन थी? जी हाँ, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। तो तुम इसकी बेटी थी ये, इसके जो हस्बैंड थे थोड़े मंदबुद्धि थे, इसलिए इन्होंने पूरा अपना कारोबार अपने हाथों में ले लिया था। और ये लड़कों की तरह साफा पहन के, मतलब राजाओं की तरह साफा पहन करके ये क्या करती थी, वहां जाया करती थी अपने दरबार में। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? जी हाँ, मछली जो होती है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, और ये पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसको कैप्चर कर लेती है गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो जी हाँ, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, और ये फेमस नारा है इंकलाबाद जिंदाबाद का भगत सिंह का। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था, और जनरल डायर ने गोली फायर की थी, उसमें 1000 प्लस लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। जो कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक करके एक अलग संस्था बना ली थी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जी फेमस है, पंजाब के से बिलोंग करते थे, इसलिए पंजाब केसरी के नाम से फेमस है ये। और सैंडर्स की हत्या किसने की थी? जी हाँ, सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। सैंडर्स जो था अंग्रेज थे, अंग्रेज की मृत्यु जो मतलब हत्या की थी वो भगत सिंह जी ने की थी। ठीक है, इसके बाद 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ, मंगल पांडे। मंगल पांडे जी ये थे जिन्होंने अपना बलिदान, इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था 1757 के विद्रोह में, और देश विद्रोह का मामला इन पे लग गया था मंगल पांडे जी पे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जी हाँ, भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, बहुत ही ज्यादा चालाक चुस्त लेडी थी ये, सरोजनी नायडू जी। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। थैंक यू।